सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। MH1 न्यूज के ब्यूरो हेड चंद्रशेखर धरनी ने तमाम मुद्दों पर अभय चौटाला से खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष तथा इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने चार विधायकों को, जो कि पहले इनेलो के सिंबल पर जीते थे, अब वो JGP में काम कर रहे हैं, तथा एक विधायक जो हाल ही में BJP में शामिल हुए, उनके मामले में स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर जो उन पर वार प्रहार चल रहे थे, उसका भी उन्होंने मुंह तोड़कर जवाब दिया है। अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद है। चौटाला साहब, आज जो स्पीकर को चिट्ठी लिखी, उसमें मूल रूप से क्या चीज है? जो लोग हमारी पार्टी के सिंबल पे जीत करके विधानसभा के सदस्य बने और उन्होंने पार्टी की जो गतिविधियां थी उनके खिलाफ जाकर के काम किया, हमने उनको मौका दिया कि वो कहीं सुधर जाएं, लेकिन वो सुधरने की बजाय वो कहीं इस गरूर में आ गए कि अगर आप लोग इनके खिलाफ जितना ज़्यादा बोलोगे ये कहीं उतने ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। उन्होंने तो ये मान लिया था कि मुझे LOP का जो पद मिला, उन्होंने ये मान लिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा तो इनका वो पद चला जाएगा। हमने पार्टी में बैठ करके पार्टी के सारे सीनियर नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करके ये फैसला लिया कि इन लोगों के खिलाफ अब समय सही है एक्शन लेने का, अदरवाइज ये लोकसभा के चुनाव के अंदर और ज्यादा कहीं ना कहीं उग्र होकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जनता को इस बात का जरूर पता लगे कि जिन लोगों को पार्टी ने मान सम्मान दिया, जिन लोगों ने पार्टी ने टिकट देकर के आगे बढ़ाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर स्पीकर इस मामले में हरियाणा के कुछ देरी करते हैं या लटकाते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा इसमें? हम स्पीकर के पास, हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो अगले 2-4 दिन में समय लेकर के मिलेगी, उनके साथ हम लीगल एक्सपर्ट को भी भेजेंगे, हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं उनकी जिम्मेवारी लगाएंगे कि वो जाकर के अब तक के इस किस्म के जितने डिसीजन हुए हैं वो उनको दिखाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भी आप इस पर फैसला लो। हम चाहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला आए। लोकसभा में भी एक सांसद पिछली बार इनेलो की चुनाव चिन्ह पर जीत कर गए थे, उस मामले में आपका क्या रुख रहेगा? उसके लिए भी कल हम एक पूरे सबूत के साथ एक चिट्ठी तैयार करेंगे जो लोकसभा के स्पीकर को भेजेंगे, जिसको मेल भी करेंगे, जिसको पर्सनली हैंडओवर भी करवाएंगे। बीजेपी जो है अत्यंत प्रफुल्लित है, जिस प्रकार से गंगवा गए हैं, कुछ और इनेलो के विधायकों को बीजेपी संकेत दे रही है कि जल्दी ही शामिल हो सकते हैं बीजेपी के अंदर। जिन लोगों के सूत बैठ जाती है ना, वो यूं सोचते हैं कि अब सारे कुछ थारा हो गया, इस लोकसभा के चुनाव में ही सारी चीजें सामने आ जाएगी। लोग, कांग्रेस पार्टी जिसके लिए ये कहा गया था इंदिरा गांधी की डेथ के बाद कि ये 100 साल राज करेगी, और सन 89 5 साल भी नहीं पकड़े, उससे पहले लोगों ने जमीन पे लेकर के दिखा दिया। यही हालत बीजेपी की होने वाली है। लोकसभा के उम्मीदवारों का चयन आप कब तक कर लेंगे, कब तक अनाउंस करेंगे? हम 27 तारीख को हमारी PSC की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं लोकसभा के, उनके नामों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके संभावित उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से डिस्कशन करके किस किस को चुनाव लड़ाया जाए, उस बात का फैसला नॉमिनेशन के एक दिन पहले करेंगे। तो ये है नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला। इन्होंने जहां डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 5 विधायकों के हरियाणा विधानसभा स्पीकर को लिखा है, वहीं लोकसभा के स्पीकर को भी ये पत्र सोमवार को देने जा रहे हैं। दूसरी और अहम बात जो इन्होंने अपनी बातचीत में मीडिया से बातचीत करते हुए कही कि जो हरियाणा के स्पीकर हैं पहले 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करें, तथा साथ ही अपना इन्होंने इस्तीफा भी भेज दिया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उसके बाद उस पर आगे आगामी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन धर्म सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़ चंडीगढ़।